हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे इस वीडियो में अपना छोटा सा विंटर गार्डन शेयर करूंगी। अब की बार मैंने किसी दिन विंटर गार्डन का ओवरव्यू नहीं शेयर किया, क्योंकि मेरे प्लांट कुछ लेट मैंने लगाया और कुछ बीच बीच में इतनी परेशानियां आती गई कि मैं शेयर नहीं कर पाई। तो मैं एक यहाँ से शुरुआत करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने केल का प्लांट लाई थी और कितना सुंदर केल का प्लांट भी, बहुत सुंदर। ये थोड़ा मुझे महंगा मिला था, ये मिला था 60 रुपये का, लेकिन इतना सुंदर मुझे लगा कि और हेल्दी प्लांट था तो मैं ले आई। और ये दो बिगोनिया मैंने लगा रखा है, ये देखिए, लगभग दोनों का कलर एक ही है। एक ये मैं बेस्ट डिब्बे में लगा रखी हूँ और ये भी बेस्ट प्लांटर में लगा रखी हूँ। और गजानिया के मेरे दो प्लांट हैं, ये देखिए, एक ये है और एक ये है। अभी खिला नहीं है पूरा, लेकिन खिलने को है। और ये डेंथस देखिए, एक कलर कितना प्यारा कलर है। डेंथस भी फ्रेंड बड़े आराम से आप आसानी से इसकी कटिंग, ये देखिए जो न्यू ग्रोथ हुई है, यही 3 इंच की कटिंग लेके लगा दीजिए, बहुत आसानी से लग जाती है। और ये तो मेरे घर का ही सीडलिंग थी, तो 3 महीने मेरी गोल्ड इस तरह से बॉटल में लगा रखा है। ये पोलका डॉट का प्लांट है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल, लेकिन ब्यूटीफुल होता है बट ये इस समय इतना कोहरा है और पाला की मार से इसकी पत्तियां थोड़ा फेड हो गई हैं। और जैसे ही इनको 2-4 दिन धूप मिलेगी फिर ये अपने रंग पे आ जाएगा। एक ये कैलेंडुला बाद में मैं लगाई, तो अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। ये तो सीड से बहुत आसानी से लग जाता है। ये दो मेरे डहेलिया के प्लांट हैं, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है, अब इनमें फ्लावरिंग होगी। और एक ये यूफोर्बिया मिली का प्लांट है मेरा, देखिए कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग। इसकी कटिंग बहुत आसानी से इस समय लगाएं तो लग जाएगी, फूल और उससे भरा हुआ है। इसके फ्लावर बहुत स्पेंड हो गए थे सो मैंने काट के निकाल दिया। ये देखिए, ये कॉर्नेशन का है प्लांट, देखिए कितना सुंदर इसमें फ्लावर है। एक ही खिला है और एक इसमें लगा रखा है मैंने। ये इसकी भी कटिंग, ये भी डेंथस की वैरायटी का ही होता है। ये थोड़ा बड़े इसके प्लांट होते हैं डेंथस के, छोटे छोटे। ये दो डॉग फ्लावर मेरे हैं, देखिए कितने ब्यूटीफुल कलर इसका भी है और इसका भी है। देखिए डॉग फ्लावर की भी कटिंग लगा सकते हैं सीड से। मैं तो सब अब की वहाँ से ले आई थी, 2-4 प्लांट छोड़ के, बाकी सब नर्सरी से मैं खरीद के। ये प्लांट मुझे 15-15 रुपए के मिले थे। देखिए बर्मीना की 3 कलर हैं, एक कलर ये है, एक कलर ये है, एक कलर ये है। देखिए तीनों कलर कितने प्यारे हैं, एक वाइट है, एक पर्पल है, एक पिंक है, और कितनी बढ़िया फ्लावरिंग। आज धूप मिली तो ये बिल्कुल दिल खोल के खिल गए हैं। और ये देखिए दो पैंजी हैं, थोड़ा सा कलर में फर्क है, वो मैरून कलर का है, ये थोड़ा पर्पल कलर का है, लेकिन इसमें भी कितनी बढ़िया फ्लावरिंग हुई है। ये देखिए कैलेंडुला, इसमें कितनी बढ़िया फ्लावरिंग हो गई है। ये ग्लेडिया जो मैंने खुद ग्रो किया था सीड से, और ये देखिए फ्लावर स्पेंड हो गए हैं, लेकिन इनको मैंने सीड के लिए रख छोड़ा है। ये सीड से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं, देखिए कलियां भी खूब बनी हैं। ये मेरी गोल्ड, मेरे सबसे पहला मैं विंटर फ्लावरिंग प्लांट में ये तीनों मेरी गोल्ड ही लाई थी। और इसमें देखिए, लेकिन इसमें इतना पाला के मारे कलियां बिल्कुल ख़राब हो गई, पूरी खिल नहीं पाई और इतनी कलियाँ आई थी। 3 प्लांट में ले आई थी, तीनों में खूब भर भर के फ्लावरिंग हुई है। और ये 5 मैं सीडलिंग अयोध्या से ले आई थी,
तो मैं लगा दी थी इसी में, तो चार हैं, एक मेरी बेटी आई थी तो वो लेके गई। इसका कलर देखिए कितना प्यारा है, ये इसका कलर देखिए। कुछ मेरी गुलदावरी बेकार हो गई थी तो सब मैंने कट करके हटा दिया, लेकिन ये बाद में इसमें फ्लावरिंग हुई, अभी इसमें कलियां भी हैं। तो इसको मैंने दो प्लांट मैंने रख छोड़ा था, तो इसका भी अब फ्लावर फेड हो गया, अब इसको भी हटाना है। ये देखिए साल्विया, एक बार ये खिल चुका तो इसमें फ्लावर मैंने कट कर दिए, तो देखिए कितनी अच्छी फिर से पूरा फूलों से भर गया है। ये भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। और दो दो डायंथस के प्लांट ये देखिए, इसको मैंने कट कर दिया था, तो देखिए न्यू जो ब्रांचेस थी उसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है, ये वाइट ये पिंक, और वहाँ जो मैंने आपको दिखाया वो रेड कलर का है, देखिए। और ये उसकी कटिंग मैंने बच्चे तोड़ दिए थे, मेरा जो लॉन्ग वैरायटी का एनुअल वो कार्नेशन, तो वो कलियाँ तोड़ दी थी तो इसकी मैंने कटिंग लगा दिया है, अभी कहीं से मुरझाया नहीं है और कली देखिए कितनी अच्छी है। अब इसकी कटिंग मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये लग जाएगा। ये देखिए गुलदावरी की कटिंग मैंने लगाई है, ये देखिए मैंने कोलियस की कटिंग लगाई है, ये देखिए इसमें इसमें मैंने डंथस की कटिंग लगाई है। ये मेरे कोलियस के प्लांट हैं और साइड में मैंने कटिंग भी लगा, क्योंकि ये बहुत लंबे हो गए थे तो इनकी कटिंग लगा के मैं इनके नए प्लांट तैयार कर रही हूँ। ये देखिए तो इस तरह से फ्रेंड मैंने, ये देखिए ये मेरे गुलदावरी में अब फ्लावरिंग हो रही है, ये कितने सुंदर इसके फ्लावर हैं देखिए। तो ये एनुअल क्राइसेंथेमम, इसमें कलियां आ रही हैं, इसकी भी आप ये जो ये साइड वाली ब्रांच है इतनी काट के आप इस तरह से इसकी काट के और 3-4 इंच की कटिंग लगा दीजिए, तो इसमें नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। ये गर्मी तक खूब बढ़िया फ्लावरिंग करता है, ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है और कितने बढ़िया मेरे प्लांट हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा छोटा सा विंटर गार्डन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड, टेक केयर।